एक बहुत ही सुंदर घटना हुई थी रामायण में। हाँ, उनके जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। वो एक राजा हैं, किसी कारण से वो अपना राज्य गंवा देते हैं, या वो उसे त्याग देते हैं, या जैसा भी हुआ हो, या धोखा देकर उन्हें निकाल दिया गया, या वो इतने शालीन हैं कि उन्होंने विरोध नहीं किया और वो जंगल में जाकर रहते हैं, कठिनाइयों से भरा जीवन जीते हैं। इसके बाद रावण उनकी पत्नी का अपहरण कर लेता है और फिर अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, उनके खो जाने से हुई पीड़ा और उनके साथ क्या हो रहा है, इस चिंता के कारण वो दक्षिण भारत तक चलते हुए जाते हैं। तमिल लोगों की सेना इकट्ठा करते हैं, हाँ तमिलनाडु में और कौन था, और फिर वो श्रीलंका जाकर युद्ध छेड़ देते हैं। युद्ध में रावण को हराते हैं, उसे मार डालते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, रावण के 10 सिर थे। आप एक सिर से परेशान हैं, उसके पास 10 थे। तो राम को 10 बार वध करना पड़ा ताकि उसे मारा जा सके। युद्ध में जीत हुई और वो अयोध्या वापस आ रहे हैं। राम तय करते हैं, वो कहते हैं, मैं वापस राज्य में नहीं जाना चाहता, मैं हिमालय में जाकर अगस्त्य मुनि की गुफा में कुछ समय बिताना चाहता हूँ, ताकि अपने हाथों हुए पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जो धर्म परायण था, शिव का महान भक्त था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक महान राजा था, एक दयालु व्यक्ति था। बाकी लोग हैरान रह गए। लक्ष्मण, उनके छोटे भाई, बोले, आप क्या बात कर रहे हैं, रावण ने आपकी पत्नी का अपहरण किया था। राम ने कहा, वो दूसरे 9 सिरों का काम था। उसके 9 सिरों में लालच, जलन, वासना वगैरह भरे थे, लेकिन एक सिर ऐसा था जिसमें विवेक, ज्ञान, धार्मिकता और भक्ति थे। मुझे अफसोस है उस सिर को काटने का। मेरा बस चलता तो मैं उस सिर को छोड़ देता, रावण को मारता नहीं, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। पर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है उस एक सिर को काटने का। इसमें आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप सभी के पास 10 या अधिक सिर हैं, हर तरह की चीजें। क्या आप देखते हैं, किसी दिन आपके सिर में लालच है, किसी दिन जलन है, किसी दिन नफरत है, किसी दिन प्यार, किसी दिन सुंदरता, किसी दिन बदसूरती, या एक ही दिन में आप सभी चीजों से गुजरते हैं। अगर मैंने आपको जलन वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये जलन खोर है। अगर मैंने आपको लालच वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये लालची है। अगर मैंने आपको नफरत वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये नफरत से भरा है। अगर मैंने आपको वासना वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये वासना से भरा है। नहीं नहीं, हर किसी के पास 10 से अधिक सिर होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग सिर काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास कम से कम एक सिर होता है।